यहाँ के शहरी कॉलेज के सामने जुमेरात को एक ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस अहलकार पर कार चढ़ाने की कोशिश की। इस वाकये में ट्रैफिक पुलिस अहलकार बाल बाल बच गया है। ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी करने पर कांस्टेबल ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार का ड्राइवर कार को रोके बगैर पुलिस कांस्टेबल पर कार चढ़ा दी और 100 मीटर तक इसे घसीटता रहा। शिमोगा ईस्ट ट्रैफिक डिवीजन का कांस्टेबल प्रभुराज शहरी कॉलेज के करीब ड्यूटी पर था। इस वक्त MRS सर्कल से बस स्टैंड की तरफ जाने वाली किया सोनेट कार के ड्राइवर को ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया। इसे रोकने के लिए कांस्टेबल प्रभुराज ने गाड़ी के सामने खड़ा हुआ और ड्राइवर को कार साइड में लगाने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी को रोके बगैर प्रभुराज से बहस की और आगे बढ़ा। कांस्टेबल पीछे हटने की कोशिश करता रहा। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने इसे घसीटते हुए 100 मीटर तक दूर ले गई, तब भी इसने गाड़ी नहीं रोकी और आगे बढ़ गया। इसने कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी रोक दी। इस वाकये की एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर गाड़ी को रोके बगैर वहां से चला गया। हमने वहां के CCTV कैमरे का मुआयना किया। कार के ड्राइवर की शनाख्त केबल ऑपरेटर मिथुन जगदाले के तौर पर की गई है, जो भद्रावती के हसमने का रहने वाला है। मुलजिम के खिलाफ कोटे पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई है। SP मिथुन कुमार ने बताया कि मुलजिम को पकड़ने के लिए जाल बिछा गया है और इसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंफ्राब न्यूज़, शिमोगा।